बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बीजेपी के हिमाचल प्रदेश लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाए हैं वहीं कंगना रनौत पर कांग्रेस द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिसके बाद बीजेपी इस पर कांग्रेस को घेर रही है यहां तक कि कंगना पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग भी सख्त नजर आई सबके बीच, सब बीच यूपी की लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने सरकार से सवाल किया है कि क्या वे देश की बेटी नहीं है उन्होंने अपने ट्वीट में कंगना रनौत के मामले का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा दरअसल लोक गायिका नेहा की तुलना मियां खलीफा से की गई है इसी को लेकर से वे भड़की हुई है इमेज को किया जा रहा खराब एक्स अकाउंट पर नेहा और मियां खलीफा की तस्वीर को वायरल कर उनकी आपस में तुलना की जा रही है इसी को लेकर नेहा का गुस्सा फूटा है और उन्होंने कहा है कि वे एक सम्मानित गायिका हैं लेकिन उनकी इमेज को बीजेपी से जुड़े लोग खराब कर रहे हैं नेहा राठौड़ ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आज सुबह से ही मियां खलीफा के साथ मेरी फोटो लगाकर भाजपा की आईटी सेल और छूट भय नेता ट्रेंड करवा रहे हैं और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं वो किसी ज्ञानी को नहीं दिखता ऐसे बचाई जाएगी बेटी यूपी की बहू को नहीं दिख रही है बेचती नेहा सिंह ने यूपी सरकार के सवाल पूछते हुए कि वे टू बैक टू बैक अपने एक्स अकाउंट पर की है पोस्ट में लिखा है कि देख रहे हैं न योगी जी किस तरह एक बिहार की बेटी और उत्तर प्रदेश की बहू को सोशल मीडिया पर बेचित किया जा रहा मेरी गलती क्या है यही कि मैं सरकार से सवाल पूछती हूँ जिस बात के लिए मुझे तारीफ मिलनी चाहिए थी उसके लिए मुझे अपमानित किया जा रहा क्या यही भाजपा का सुशासन है ऐसे बेटियां बजाएंगे महाराज